इन त्योहारों पर भूषण ज्वेलर्स लेकर आए हैं स्वर्ण समृद्धि योजना जो 10 सितंबर से शुरू है, तो खरीदारी करें और जीतें प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख के आभूषण, साथ ही दुबई टूर सहित कुल 101 इनाम। तो चले आए आपके अपने भूषण ज्वेलर्स लोअर बाजार सोलन में। नूरपुर जगत गुरु शंकराचार्य निश्चय सरस्वती महाराज का आज नूरपुर आगमन हुआ, जहां नगर परिषद हॉल में उनका प्रवचन हुआ। इस प्रवचन में काफ़ी संख्या में नूरपुर वासी प्रवचन श्रवण के लिए पहुंचे। स्थानीय विधायक राकेश पठानिया ने उनका स्वागत किया और कहा कि नूरपुर में उनके चरण कमल पड़ने से प्रदेश की भूमि पवन हो गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर महाराज का सानिध्य प्राप्त करने के लिए नूरपुर आने के लिए तैयार थे, लेकिन खराब मौसम के कारण वो जहाँ नहीं पहुंच सके। पठानिया ने कहा कि सरस्वती महाराज के आगमन को लेकर अगर कुछ दिन पहले जानकारी होती तो जो जनता उनके दर्शनों से वंचित रह गई है उनको भी दर्शनार्थ का सौभाग्य मिलता। वही निश्चलानंद सरस्वती ने उपस्थिति श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश की संस्कृति पाश्चात्यकरण हो गया है और लोग अपने धर्म कर्म से विमुख हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए असंख्यक लोगों ने अपने प्राण को नछौर किया, लेकिन जिस स्वतंत्र भारत की कल्पना उन्होंने की थी आज वो भारत नहीं। उन्होंने कहा कि सबसे प्राचीन माने जाने वाला सनातन धर्म आज मरणासन स्थिति में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति और उन्नति तभी संभव है जब तक हम परंपराओं से जुड़े हुए रहें। उन्होंने कहा कि पेड़ तभी तक हरा रह सकता है जब वो जड़ों से जुड़ा हुआ हो, और जैसे ही उसकी जड़ें कटी उसको सूखने में वक्त नहीं लगता, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी परंपराओं और संस्कृति से जुड़े रहें। आज सुबह से मुख्यमंत्री जी उनके दर्शन करना चाह रहे थे, आज हेलीकॉप्टर गए उस प्रकार में वो भी इसका महत्व भी यहाँ जा रहे सुबह में बहुत मौसम खराब है, उसकी वजह से हेलीकॉप्टर नहीं कर सकते। सुबह से 3-4 बजे जो भी उनका आया कि वो कहते महाराज के दर्शन करते भगवान जी के सूर्य दर्शन करते हैं। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हिमाचल प्रदेश की धरती पर जो भी आपके चरण पड़े आपको नमन आपको प्रणाम। आज हम लोग धन्य हैं, हमारी धरती धन्य है, पर हमारे लोगों को अगर पता नहीं है कि आप यहाँ पे आए। अगर ठीक समय पे हमें पता लग गया होता तो शायद यहाँ पे दिल रखते हुए जगह ना। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना से क्षमा चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हमारे वंचित रह गए आपके दर्शन करने से। आज सवेर हिमाचल के हमारे बीच में आए, हम आपके दर्शन ना कर पाए तो इससे बड़ी दिलाई थी हमारे लिए। उसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद और आपका स्वागत, और आपने मेरी बड़ी बहन के घर के चरण डाले उसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। एन स्टार के लिए नूरपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट।